शहीद किसानों को दी गई श्रद्धांजलि। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक शिव सिंह एडवोकेट ने बताया कि किसान बिल के विरोध में विगत एक माह से देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं में आंदोलनरत कई किसान भाई अपनी शहादत दे चुके हैं। उन शहीद किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते समूचे देश में आज किसान संघर्ष समिति जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति संयुक्त किसान मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में श्रद्धांजलि सभा आयोजित करने का आह्वान किया गया था, जिसको लेकर रीवा जिले के बनकुइया रोड स्थित ग्राम पैपखरा चौहान में किसान डोलेश्वर सिंह एवं केशव प्रसाद शर्मा के आयोजक तत्व में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में आगामी आंदोलन की रणनीति भी तय की गई। श्रद्धांजलि सभा में प्रमुख रूप से किसान नेता रामायण सिंह, कुंवर सिंह, शिव सिंह एडवोकेट, शोभनाथ कुशवाहा, रामजीत सिंह, इंद्रजीत सिंह, शंखु अनिल सिंह, पिंटू तेजभान सिंह, आदित्य त्रिपाठी सहित पैपखरा बिहार बरवाहा कुइया धबैया के किसान अवधेश सिंह, प्रताप सिंह, अंकित सिंह, पुरुषोत्तम सिंह, समरजीत सिंह, अरुण कुमार तिवारी, तीरथ सिंह, रामपाल सिंह, बिहारी लाल सिंह, राजेंद्र सिंह, विनोद कुमार, केशव सिंह, सुखीलाल साकेत, अनूप सिंह, धोनी आनंद, प्रताप सिंह सहित सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। वहीं स्वास्थ्य खराब होने से भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष किसान सुब्रत मणि ने अपने आवास में शहीद किसानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए रीवा से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। समूचे देश में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति संयुक्त किसान मोर्चे के संयुक्त आह्वान पर किसान बिल के विरोध में दिल्ली आंदोलन में शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देने कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तारतम्य में मध्य प्रदेश के रीवा जिले के ग्राम पैपखरा चौराहा में सभी किसान संगठनों ने अपने शहीद साथी किसानों को श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। और वहीं पर श्रद्धांजलि सभा में ही आगामी आंदोलन की रूपरेखा भी